अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी लर्न उर्दू मीडियम। इजी लर्न उर्दू मीडियम में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम 9वीं जमात का मज़मून उर्दू का हिस्सा नज़्म से सबसे पहली नज़्म जो कि एक हमद है, इसके सवालात व जवाबात देखेंगे 9वीं जमात के लिए है ये वीडियो। अगर आप 9वीं जमात के स्टूडेंट हैं और आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसलिए कि जब हम आगे की नज़मों के सवाल जो आपकी वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको उसकी खबर मिल जाएगी, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, जान पहचान की मदद से वेब खाका मुकम्मल कीजिए। जगन्नाथ है ना, जगन्नाथ आज़ाद, यहाँ चार आपको बॉक्सेस दिए हुए हैं। पहले में आपको लिखना है बेकरा, दूसरा वतन में अजनबी, तीसरे में आपको लिखना है सितारों से आगे, और चौथे में आपको लिखना है मगरबी फलिस्फा। पहला सवाल है, हमद की तारीफ़ लिखिए। तो इसका जवाब है, जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। सवाल नंबर दो, अपने माहौल और सितारों से इधर खुदा की जलवा नुमाए की कैफियत बयान कीजिए। इसका जवाब है, खुदा का हुस्न हमारे माहौल के आसपास भी है और सितारों से आगे भी है। सितारों से आगे जहाँ हैं, जहाँ खुद सितारों से आगे जहाँ हैं, जहाँ खुदा की कुदरत और हुस्न का जलवा नज़र आता है। कायनात में फैली हुई बेशुमार अशिया में खुदा का जलवा नुमाया है। कायनात में सिर्फ एक निज़ाम शमशी नहीं है जिस हिस्से का हमारी ज़मीन है। हमारा निज़ाम शमशी एक कहकशा का हिस्सा है, ऐसी कई कहकशाएँ कायनात में बिखरी हुई है। हर जगह खुदा का जलवा जो है वो दिखाई दे रहा है। सवाल नंबर तीन, दरिया की मौजों और बहार की हवाओं में मौजूद निशानियों को वाज़े कीजिए। तो इसका जवाब है, कायनात की फैली हुई तमाम अशिया में कुदरत की निशानियां मौजूद हैं जिनमें खुदा का जलवा दिखाई देता है। दरिया की मौजों में भी हम बहुत सारी निशानियां देखते हैं। मौजों की रवानी में दिलकशी है जो खुदा के हुस्न की निशानी है। जब यही मौजें तेज़ व तंद हो जाती और साहिली इलाकों में कहर बरपा करती हैं तब ये खुदा के गज़ब का मज़हर बन जाती है। बहार की हवाओं में ये खूबी है कि ये मुर्दा दरख्तों को ज़िंदगी बख्शी है, कलियों को चटकाती और फूलों को खिलाती है। हर तरफ हरियाली छा जाती है, मौसम खुशगवार हो जाता है। बहार की फरहत बख्श हवाओं में भी खुदा ही का हुस्न बिखरा हुआ है। सवाल नंबर चार, हमद के हवाले से खुदा के हुस्न के सौरंग पर रोशनी डालिए। इसका जवाब है, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में खुदा का हुस्न और उसकी कुदरत की कारीगरी के जलवे दिखाई देते हैं। इन जलवों से लुत्फंदोज़ होने के लिए इंसान के पास नूर को देखने वाली नज़र चाहिए। इसके पहलू में एक हसास दिल चाहिए। पर नूर सुबह का सुहाना वक्त या शाम का मलज का उजाला या उफ्क पर फूली हुई शफ़क की सुर्खी या रात का अंधेरा हर साथ खुदा के हुस्न व जमाल की आयना दार होती है। हर साथ का एक कैफ और सुरूर होता है जो देखने वाले के दिल में एक मस्ती की सी कैफियत पैदा कर देती है। अगला सवाल है, हमद के ऐसे अशार तलाश कीजिए जिनसे ज़िल के मफहूम ज़ाहिर होते हैं। पहला है, खुदा की कुदरत रंगों और निखतों के मौसम बहार ही में नुमाया नहीं बल्कि ख़िज़ा में भी खुदा की कारीगरी जलवागर है। जवाब, रंग व बू तक तुझे देखूं कि ख़िज़ा तक देखूं, मैं तेरा हुस्न जो देखूं तो कहां तक देखूं। अब दूसरा है, शायर खुदा की अजमत के इस तसव्वुर पर कुर्बान हो जाना चाहता है जिसके सबब उसे कायनात के हर ज़र्रे में खुदा की कारीगरी और हुस्न दिखाई देता है। इसका जवाब देखेंगे, क्यों ना कुर्बान तसव्वुर हूँ मैं आज़ाद के आज, नूर ही नूर नज़र आए जहाँ तक देखूँ। अब है, हमद से सनत तजाद का शेर लिखिए। सनत तजाद का ये शेर है, आज तक तुझको जो देखा तू यकी तक देखा, अब तमन्ना है कि तुझको मैं गुमा तक देखूँ। पहले वाले में जो है यकी है, दूसरे वाले में गुमा। यकीन और गुमा ये दोनों जो है एक दूसरे की ज़िद है। आप इसको अंडरलाइन ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको समझने में मुश्किलात ना पेश आए। अगला सवाल है,
इस हमद में रंग व बू और ख़िज़ा जैसी मुतज़ाद कैफियात का जिक्र हुआ है। आप इन तमाम को अपने बयाज़ में जदवल बनाकर लिखिए। जैसे सुबह और शाम, जो सवाल में आपको क्या करना है कि इस नज़्म में जैसे सुबह और शाम दो मुतज़ाद अल्फाज आएँ तो उसको आपको इस तरीके से लिखना है, यकीन गुमान, सुबह शाम नूर जुल्मत रंग बेरंग। अगला सवाल है, मौजे दरिया की कसम बाद बहारा की कसम, तेरी रफ्तार को अब और कहाँ तक देखूँ। इस शेर में दरिया की मौज के लिए मौजे दरिया और बहार की हवा को बाद बहारा लिखा गया है। इसे कवायद में लफ्जी तरकीब कहते हैं। मंदरजा ज़ेल अल्फाज को लफ्जी तरकीब में तब्दील कीजिए। जवाब है ना, कुछ अल्फाज आपको दिए हैं किताब में, उसको आपको लफ्जी तरकीब में तब्दील करना है। जैसे सुबह का नूर, इसको कैसे करेंगे हम, नूरे सुबह। शाम की शफ़, शामे शफ़। शब की जुल्मत, जुल्मते शब। दरिया की रवानी, रवानिये दरिया। तसव्वुर के कुर्बान, कुर्बाने तसव्वुर। अगला सवाल है, दर्ज ज़ेल अशआर की तशरीह कीजिए। आज तक तुझको जो देखा तो यकीन तक देखा, अब तमन्ना है कि मैं तुझको घुमा तक देखूं। इसकी तशरीह हम लोग देखते हैं। शायर कहता है कि मैंने खुदा को अब तक यकीन और एतबार के मुताबिक देखा है, मगर अब मेरी तमन्ना है कि मैं बारी तआला की ज़ात को घुमा तक देख। मैं जानता हूँ कि अल्लाह की कुदरत और हिकमत इंसान के फहम व अदराक और गुमान से बाहर है। इंसान लाख कायनात में पड़े हुए हूँ, लाख यहाँ पे लाख आपको लिखना, इंसान लाख कायनात में पड़े हुए हूँ, पर्दा असरार व रमूस को अपनी अक्ल व फरासत से हटाने की कोशिश करें, मगर इसकी अजमत व किबरियाई को समझना इंसान के बस का काम नहीं, लेकिन मैं उसे उसकी अजमत के साथ देखना चाहता हूँ। अगला शेर है, दिल की दुनिया में तो मैं तुझको बहुत ढूंढ चुका, अब तेरा हुक्म है, अब तेरा हुक्म जहाँ तक हो वहाँ तक देखूँ। इसकी तशरीह हम लोग देखते हैं। शायर कहता है कि मैंने खुदा को दिल की दुनिया में बहुत तलाश किया, लेकिन अब मैं उसे वहाँ तक देखना चाहता हूँ जहाँ तक खुदा का हुक्म चलता है। खुदा कादिर मुतअल्लिक है, इसका हुक्म कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर चलता है। हर चंद की ये मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं राज हाय कायनात को समझने के लिए इसके ज़र्रे ज़र्रे का मुशाहिदा करना चाहता हूँ, ताकि मुझे इरफान ज़ाते बारी ताला हासिल हो। अगला सवाल है, इस नज़्म को तमाम तलबा तरन्नुम से पढ़ें, है ना, अपनी जमात में जो है वो तरन्नुम से पढ़े, तो आपको इस नज़्म को अपनी जमात में, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं है ना, तो आपको क्या करना है कि आपको इस नज़्म को पढ़ के वीडियो बनाकर अपनी उस्ताद को जो है सेंड करना है। उर्दू के पांच नज़्म निगारों की पांच पांच मशहूर नज़मों के उनवानात लिखिए। पांच नज़्म निगार, तो मैं एक यहाँ पे अपना नज़्म निगार ले रहा हूँ, अल्लामा इकबाल, और उनकी पांच नज़में हैं जिनके मैं उनवानात यहाँ पर लिख रहा हूँ। उनवानात, परिंदे की फरियाद, माँ जुगनू बच्चे की दुआ। अब है ज़ेल में मीर हसन की मसनवी के मुख्तलिफ अशआर दिए गए हैं। इनमें से हर शेर हमद, मुनाजात, नात और मुनक़बत जैसी शेरी सिनफ से ताल्लुक़ रखता है। इन अशआर को बग़ौर पढ़कर इनके आगे सिनफ का नाम लिखिए। तो आपको वहाँ पर कुछ दिया होगा है ना, बहुत सारा वहाँ पे आपको दिया होगा, चार दिया होगा, चारों आपको पढ़ने के बाद बताना है कि वो नज़्म है कि मुनाजात है कि मुनक़बत है कि हमद। तो पहला वाला जो आएगा वो मुनाजात होगा, दूसरा वाला मुनक़बित होगा, और तीसरा वाला नात होगा, और चौथा वाला जो है वो हमद है। इस तरीके से आपको वहाँ पर लिख लेना है। तो वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने हम जमात सहेलियों और दोस्तों और ग्रुप्स पर शेयर कीजिए। और वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके।